मार्केट टाइम टीवी से मैं मुकेश सोनी, आज हम पहुंचे छिंदवाड़ा की कृषि उपज मंडी से और यहां पर हम जानेंगे किसानों को क्या रेट मिल रहा है गेहूं में। जी आप बताइए, आप कहां से आए? केतरी से। तो क्या लेकर आए थे? गेहूं। कितना लेकर आए थे? गेहूं लाए 15 क्विंटल। तो क्या रेट मिला आपको? 2280 रुपये। अच्छा रेट गए? नहीं कम रेट गए, 2300 से ऊपर जाना। तो समर्थन मूल्य कितना? समर्थन मूल्य 2275 रुपये। पानी के कारण जो बारिश हुई है उसके कारण बहुत सा माल डैमेज हो गया। डैमेज होने के कारण क्या हुआ, बारिश के कारण माल बहुत खराब हो गया है, कलर चला गया उनका, नीचे गिर गया है, उससे बहुत नुकसान हो गया। जैसे बारीक पड़ गया गेहूँ तो देखिए आप, थोड़ा सा बिल्कुल एकदम कलर चल गया, उसके कारण कम से कम 100 से 200 रुपये क्विंटल की मट्टी आ रही है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो कम से कम 100 से 150 रुपये क्विंटल की मट्टी है। आपका? मैं गुरैया से। आपका? सर मैं दुनावा से। आप भी किसान? जी। क्या लेकर आए थे? सर गेहूँ लेकर। कितना लाए? 3 टन लाए। क्या रेट है? सर मेरा 2580 का। मतलब समर्थन मूल्य से अच्छा? जी जी। तो क्या वजह है कि आपका इतना महंगा? सर नहीं सर, गेहूँ की क्वालिटी थी, गेहूँ अच्छा था, पानी से पहले कट गया था और गेहूँ काफ़ी अच्छा था। आपके क्षेत्र में अधिकतर कटाई पानी से पहले हो गई थी? लगभग 60% अच्छी हो गई थी पहले। उधर के किसानों को अच्छा फायदा? जी। और कुछ किसानों को नुकसान भी हुआ सर, पानी की वजह से तूफान चला था, उसके पूरा गेहूँ नीचे आ गया, गेहूँ खराब भी हुआ है। अब कल जैसे हमने 2235 बेचा था, आज भी अच्छा क्वालिटी का लाया तो हमारा 2580 गया। कौन सा गेहूँ होता है सर? सभी प्रकार का होता है, सिर्फ शरबती छोड़कर और सावना पंजाब छोड़कर, बाकी सभी प्रकार का होता है। अपने यहाँ से माल कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? सर अब बाहर तो व्यापारी लोग कहाँ करते ये नहीं मालूम, पर हमको जैसे सर पांडुना हो गया, बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, तो छिंदवाड़ा 60 किलोमीटर पड़ता है, बैतूल 80 पड़ता है, पांडुना 40 पड़ता है, लेकिन वहाँ इससे भी दाम कम है पांडुना में, यहाँ थोड़ा अच्छा मिल जाता है छिंदवाड़ा। यहाँ पे अच्छा दाम? जी। यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है? यहाँ व्यवस्था भी अच्छी है सर यहाँ पर। ये थे छिंदवाड़ा जिले के कुछ किसान जिन्होंने बताया कि पानी की वजह से कुछ जगह पे गेहूँ खराब तो हुआ है, लेकिन कुछ जगह पानी के पहले अभी उन्होंने काट लिया है तो उन्हें अच्छा दाम मिला है। इसमें हम बात करेंगे प्रतीक शुक्ला जी से जो छिंदवाड़ा के सबसे बड़े व्यापारी। गेहूँ की आवक अभी 2000 टन से 3000 टन के बीच में मंडियों में चल रही है। सरकारी जो खरीदी मूल्य 2275 रुपये का है, उसमें सरकार ने 125 रुपये बोनस देने का ऐलान किया है, तो 2400 रुपये बनता है, लेकिन मंडियों में क्वालिटी के हिसाब से भाव 2250 से 2600 तक जा रहे हैं। इस साल गेहूँ की फसल अच्छी हुई। अपने यहाँ से गेहूँ एक्सपोर्ट भारत सरकार द्वारा गेहूँ को बंद किया गया हुआ है, अभी रेको द्वारा दक्षिण भारत की ओर माल जा रहा है, ज़्यादातर माल ट्रकों से हैदराबाद तरफ जाता है। टोटल टोटल क्रॉप छिंदवाड़ा में गेहूँ की लगभग 7 से 8 लाख टन की होती है। और भी जिलों से है, छिंदवाड़ा के व्यापारी पूरा कैश का व्यापार करते हैं और छिंदवाड़ा का पेमेंट बहुत अच्छा होने के कारण, व्यापारियों का व्यवहार बहुत अच्छा होने के कारण, हमालों का यहाँ पे जो काम करने का तरीका है उससे भी किसान संतुष्ट रहते हैं, तो अन्य जिलों के किसान भी छिंदवाड़ा की ओर हमेशा आकर्षित होते हैं। अभी तो छिंदवाड़ा में पुराना स्टॉक बचा नहीं, क्योंकि सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई थी, लेकिन 31 तारीख को स्टॉक का नोटिफिकेशन खत्म हो गया। अब सरकार द्वारा स्टॉक करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो व्यापारी और फ्लोर मिलर से स्टॉक करेंगे गेहूँ का। ये थे अनाज के व्यापारी जिन्होंने बताया कि इस बार किसानों की फसल बहुत अच्छी हुई है, थोड़ी बहुत पानी की वजह से खराब हुई है, इस बार किसानों को अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है। मार्केट टाइम टीवी से मुकेश सोनी।